अल्मोड़ा जिले के धारानौला स्थित जिला पंचायत सभागार में शुक्रवार को जिला पंचायत की सामान्य बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में सभी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की जन समस्याओं को सदन में रखा, जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और विद्युत विभाग की समस्याएं सदन में उठी। बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष उमा विष्ट ने कहा कि शासन स्तर से भुगतान की काफी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि जियो टैग की जो समस्या आ रही थी उसे ठीक कर लिया गया है। सदस्यों की समस्याओं का शीघ्र समाधान को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। सबसे बड़ा इशू तो हमारा पेमेंट का ही आया है। सब सदस्य का मानना यही है कि काम तो हो गए हैं, अब जैसे खत्म ही हो रहा है साल पूरा, लेकिन पेमेंट नहीं हो पाई है। और अभी पेमेंट जो है इस महीने से हमने स्टार्ट की है। जैसे भी जियो टैग की भावी परेशानी थी उसको हमने सॉल्व करके कोशिश करी है कि पेमेंट हो जाए, लेकिन पेमेंट अभी भी 90% हो रही है। 10% जो है अभी सरकार ने रोकी कही है या फिर जैसे भी कही है, वेबसाइट पे नहीं हो पा रही है। तो शासन स्तर पे समस्या है या फिर कहाँ पर लटक रहा है? शासन स्तर पे ही है, क्योंकि जियो टैग की जो परेशानी है, जियो टैग में हमारा पहले अपलोड नहीं हो पा रहा था, अब उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करी है हमने। हमने अपने हर जेई को अलग अलग फ़ोन जो है अपने यहाँ जिला पंचायत से दिलवा दिए हैं, ताकि उसको बार बार जैसे बंद हो जा रहा था जियो टैग, वो नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। हमारा थोड़ा रणनीति वगैरह का भी है कि डेवलप, हमारी जितनी खाली पड़ी ज़मीनें हैं हम उसको डेवलप करें, कोशिश तो है।